नमस्कार, राजस्थान सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है और फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। देश में कोरोना के 425 नए मरीज सामने आ रहे। जयपुर में सबसे ज्यादा 195 नए संक्रमित केस मिले, तो देश में कोरोना से 741 लोग ठीक हुए। लंपी से बचाव और रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, औषधि और वैक्सीन खरीदने के लिए 30 करोड़ की मंजूरी दी। न्यायिक जांच में दोषी बीजेपी के 3 पार्षद पद से बर्खास्त कर दिए गए, 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। झुंझुनू में छात्रसंघ चुनाव के नामांकन के दिन एनएसयूआई के उम्मीदवार और बाकी उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच में झगड़ा हुआ। राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजीव ने कार्यभार ग्रहण किया। जयपुर में कांग्रेस की होटल क्लार्क हामेर में कांग्रेस के अहम बैठक हुई और इसमें दिल्ली में होने वाली महंगाई रैली को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक में कार्यकर्ताओं से दिल्ली चलने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि बढ़ती महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। वहीं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अमीर और गरीब में खाई बढ़ती जा रही है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनको महंगाई नहीं, कांग्रेस मुक्त की चिंता है। वहीं पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2023 में राजस्थान में चुनाव जीते जाएंगे, 2024 में लोकसभा चुनाव के कुछ भी रिजल्ट हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोहिया महाविद्यालय में स्थापित इंक्यूबेशन सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन किया। वहीं पर डोटासवर ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से 4 सितंबर को हो रही रैली और रैली के बारे में जानकारी दी गई। डोटासवर ने कहा कि देश में आज अराजकता और डर नफरत का माहौल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव मोहल्लों में जाकर जनता को जागरूक करेंगे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी एजेंडे के रूप में कर रही है बदनाम। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ईआरसीपी पर राजनीति कर रही है। बाड़मेर में लगातार हो रही दोपहिया वाहन चोरी की वारदातों को लेकर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की, 2 चोरों को गिरफ्तार किया। भरतपुर से खबर जहां पर 4 साल बाद पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया। कि युवक से दुबई में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था, 3.5 लाख रुपए हड़पे थे। जयपुर में पिछले 24 घंटों में लुटेरों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया और शहर में एक ही दिन में करीब 20 स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया। बबलू में खेत में बने फार्म पॉन्ड में डूबने के चलते किसान की जान जाने की खबर सामने। मृतक किसान के शव को फार्म पॉन्ड से ग्रामीणों ने बाहर निकाला। उदयपुर के खांजी पीर इलाके से खबर, 2 पड़ोसियों के बीच में विवाद हुआ, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दिया, एक युवक घायल। अनूपगढ़ से खबर, जयपुर बस स्टैंड के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव नाले में से मिला और सूचना मिली तो थाने के एसआई जगदीश प्रसाद और एएसआई लक्ष्मण सिंह मौके पर पहुंचे। चित्तौड़गढ़ के गंगार थाना पुलिस ने खारखंदा निवासी को अपहरण कर बंधक बनाकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में खांडू कॉलोनी से खबर, जहां पर एक ऑटो ड्राइवर ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मानसूर में चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाया, चोरी की वारदात को अंजाम दिया, 1 लाख रुपए के गहने मोटरसाइकिल चोरी कर फरार। अजमेर क्षेत्र के आदर्श नगर इलाके से खबर, जहां पर महिला का पर्स लूटने का मामला सामने आया, नकदी और दस्तावेज और मोबाइल उसमें रखा था। बाड़मेर में लगातार बढ़ रही एमडी नशे की तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई की, 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मौली पुलिस ने कार्रवाई की और अपहरण कर मारपीट करने के मामले में 19 महीने से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध बजरी परिवहन को लेकर मौली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मामडोली क्षेत्र में दबिश थी, छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। सीकर के फतेहपुर सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। सरमतुरा में चोरों ने दिया भैंस चोरी की वारदात को अंजाम, 13 भैंस और 2 काटी को ले गए थे चोर। नागौर के खीमसर से खबर, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी संघ के द्वारा पंचायत समिति पहुंचकर विकास अधिकारी को अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया।
जालौर में दलित छात्र की मौत के मामले को लेकर अचरोल में दलित समाज ने आक्रोश रैली निकाली और रैली में लोगों ने दलित अत्याचार को लेकर कठोर कानून बनाने की मांग की। चूरू में गंदे पानी की निकासी को लेकर प्रदर्शन किया गया। आमजन ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू शहर के फुरला बाजार से खबर, इन दिनों चप्पल चोर सक्रिय है और चोर ने एक चप्पल की जोड़ी चुराई तो सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ। कोटा के बोरखेड़ा इलाके से खबर, जहां पर बारिश के चलते छात्रा नाले में गिरी, गनीमत रही किसान लोगों ने छात्रा को तुरंत बाहर निकाला। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में दर्दनाक हादसा, कार और ट्रक की टक्कर हुई और कार सवार चार लोगों की दर्दनाक मौत। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में निजी स्कूल का एक ऑटो मिनी ट्रक से टकराया और हादसे में ऑटो में सवार स्कूली बच्चे घायल। चूरू के सुजानगढ़ से खबर, जहां पर फतेहपुर हाईवे पर खड़ा एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, स्विफ्ट और ट्रेलर की टक्कर। धौलपुर के कॉलोनी थाना क्षेत्र से खबर, जहां पर गांव लल्लू का पुरा में खेतों पर काम करने गए किसान की करंट के चलते दर्दनाक हुआ। सीकर के श्रीमाधोपुर इलाके से खबर, जहां पर मुंडरू के फुटाला और मुंडरू की सीमा में ट्यूबवेल से मुंडरू ग्राम पंचायत में आने वाले पानी की सप्लाई की लाइन लीकेज होने के चलते हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा। कोटा के रामगंज मंडी से खबर, जहां पर उपखंड के खुदायला गांव से खबर है, जहां पर तेज बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुसा। राजस्थान में अच्छी बारिश के बाद बांध पानी से छलकने लगे हैं और 198 बांध बारिश के बाद ओवरफ्लो हुए। चूरू जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। कोरोना की वजह से दो साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर डूंगरपुर जिले के छात्र संगठन और कॉलेज के विद्यार्थियों में उत्साह। झुंझुनू के जैतपुर निवासी शहीद सतपाल सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मकराना की ग्राम पंचायत गेड़ा कला से खबर, जहां पर सरपंच को सरपंच संघ मकराना का अध्यक्ष चुना गया। सीकर में जमकर बारिश हुई और नवलगढ़ रोड और सीकर नहर में कई मुख्य बाजारों में सड़कें लबालब हुई। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी JNVU छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया की गई। छात्र नेताओं ने चुनाव अधिकारी के सामने अपने अपने नॉमिनेशन पर सवाल किए। जयपुर में वसुंधरा राजे सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंची, लोकेंद्र सिंह कालगी से मुलाकात की। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज में नामांकन के दौरान हंगामा हुआ, छात्रों ने पुलिस पर पक्षपात का इल्जाम लगाया। कैथून क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने और चंद्रलोही नदी उफान पर। नागौर के डेगाना के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किए गए। पाली में छात्र संघ चुनाव के लिए 26 अगस्त को होने वाले चुनाव में नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजसमंद में सेठ रंगलाल कठारी और कन्या कॉलेज नाथ द्वारा भीम देवगढ़, कंबलगढ़ और आमेट और रेल मगला कॉलेज में उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए। चंबल नदी पर बने पाली ब्रिज से गुजर रहे NH 552 श्योपुर स्वाईमाधोपुर मार्ग पर ब्रिज के पास लगातार बढ़ रहे पानी से मिट्टी का अंदरूनी कटाव शुरू हुआ। ACB के महानिदेशक BL सोनी बीकानेर दौरे पर रहे, उन्होंने जनसंवाद किया, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। मकराना के बोरावर चावड़िया मार्ग से खबर, जहां पर बरसाती पानी से जो जलभराव की समस्या पैदा हुई तो स्थायी समाधान की मांग को लेकर सारे कॉलोनी के लोगों ने जमकर जाम लगाकर आवागमन को बंद कर दिया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में गुजराती पंचांग के अनुसार श्रावण मास जो चला तो शिवालय में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। स्वामाधोपुर के किजुली गांव से खबर, उस वक्त ग्रामीण आक्रोशित हुए जब शिक्षक ने शिक्षक के पद को कलंकित करते हुए विद्यालय की दो बालिकाओं को सफाई के बहाने कंप्यूटर कक्ष में बुलाकर छेड़छाड़ की। टोंक के नगर फोर्ट सहित क्षेत्र में जमकर बादल बरसे और कस्बे के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए। भरतपुर के सबलाना में जमकर बारिश हुई, एक रिहायशी मकान अचानक से भर भरा कर गिर गया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के बाद अब ग्रेटर में भी मिट्टी के कट्टों में घोटाला सामने आया। उदयपुर प्रवास पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की।
अजमेर में फ्लैग मार्च के दौरान आरएएफ के जवानों ने स्थानीय थानों के पुलिस कर्मचारियों के साथ शहर में भ्रमण किया। गोपालगढ़ कस्बे के राज्य के एसपीएम कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव के तहत नामांकन के पहले एनएसयूआई और एसएफआई ने संयुक्त उम्मीदवारों के पैनल का ऐलान किया। आबेपुर पंचायत के पंचुंदल से खबर, जहां पर श्री कृष्ण गौशाला पहुंचे जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल। चौमू नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई, शहर की माहेश्वरी पेट्रोल पंप के पीछे दो व्यवसायिक इमारतों का निर्माण अवैध रूप से जो किया गया था कार्रवाई की। कुंभलगढ़ से खबर, जहां पर पर्यटकों को ट्रैफिक जाम से निजात अब मिलेगी। पार्किंग को लेकर एसडीएम और तहसीलदार ने देखी जमीन, बादशाह की बावड़ी से लगभग 11 बीघा जमीन, 1000 से ज्यादा गाड़ियां पार्क करने के जमीन का चयन किया। धौलपुर के बाड़ी के खंजरपुर थाना पर बाड़ी पत्रकार संघ की तरफ से खंजरपुर के थाना अध्यक्ष का विदाई एवं नए थाना प्रभारी का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोटा के बजरंग नगर इलाके से खबर, जहां पर कॉलोनी में मगरमच्छ आया, लोग दहशत में आए, मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। उदयपुर में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय सहित जिले के तमाम महाविद्यालयों में भी नामांकन दाखिल किए। बजट घोषणा में नगर विकास योजना के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति से सिटी हॉस्पिटल से होते हुए अग्रसेन चौक तक 25 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सीकर के निमका थाना से खबर, जहां पर 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामांकन भरे गए। झुंझुनू में बीजेपी की तरफ से मोदी एट 20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। धौलपुर में गुर्जरों को आरक्षण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह मैसला के निधन के बाद अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है। उत्तर और पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम ऑफिस में कार्यरत सभी शाखाओं के कंट्रोल रूम जल्द ही एक छत के नीचे होंगे। यानवापी मसले पर वाराणसी की जिला अदालत में आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष आज अपनी आखिरी दलील पेश करेगा। आबकारी नीति मामले में गृह मंत्रालय ने तत्कालीन आबकारी आयुक्त ए गोपी कृष्णा को निलंबित किया। पटना में छात्र पर एडीएम के लाठीचार्ज मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी, शिक्षक भर्ती बहाली की मांग कर रहे छात्रों पर बरसाई गई थी लाठी। रूस में पकड़ा गया आईएस का आतंकी, भारत में फिदायीन हमले की साजिश रच रहा था। भोपाल में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता की। आजमगढ़ जेल में रमाकांत यादव से मिले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का, विपक्षी दलों को परेशान कर रही सरकार। शिवसेना सांसद संजय राउत को राहत नहीं, बीएमएलए अदालत ने पात्रा चौल घोटाला मामले में 5 सितंबर तक बढ़ाई राउत की न्यायिक हिरासत। गुजरात दौरे पर केजरीवाल ने लगाई मुफ्तवादों की झड़ी, कहा सरकार बनी तो इलाज, शिक्षा और बिजली मुफ्त देंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से खबर, आतंकियों की कायराना हरकत, सीआरपीएफ के बंकर को निशाना बनाया। मिशन 2024 के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियां शुरू की और पश्चिम यूपी में एसवीआरएलडी का क्लीन स्वीप करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई के बीच अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा मुझे भी गिरफ्तार करने की तैयारी है। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल। महाराष्ट्र में गोविंदाओं को नौकरी देने के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, कहा शिंदे और बीजेपी भावनात्मक राजनीति कर रहे हैं। मिल्की स्वानो मामले पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, कहा हमें धर्म को दरकिनार कर महिला अत्याचारों के खिलाफ लड़ना चाहिए। उद्धव ठाकरे का शिंदे गुट पर तंज, कहा पैसे लेकर कार्यकर्ता जमा कर रहे हैं शिंदे गुट के विधायक। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की अपकमिंग फिल्म गॉडफादर का टीजर रिलीज किया गया।
श्रीलंका से वापस लौटा चीन का जासूसी युद्धपोत युआन वांग फन। सूखे और हीट वेव के चलते चीन का बुरा हाल। बिजली बचाने के लिए शंघाई के स्काईलाइन में दो रातों तक लाइट नहीं। चीन में गर्मी का रेड अलर्ट जारी और भीषण गर्मी से फसलों को भारी नुकसान। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जारी की बृहस्पति ग्रह की पास की तस्वीरें। 25 अगस्त तक इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एंटी टेरर एक्ट के केस में 3 दिन के लिए राहत दी। आतंकवाद के आरोपों पर बोले पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, पाकिस्तान ने कानून का शासन नहीं। पाकिस्तान में सिख लड़की के अपहरण और धर्मांतरण के मामले को लेकर सिखों ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, सड़क जाम कर इंसाफ की मांग की। रूस में पकड़ा गया आईएस का आतंकी भारत में फिदायिन हमले की साजिश रच रहा था। यूक्रेन में कल मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस और तैयारियों के तौर पर कीव में तबाह हुए रूसी टैंकों की एग्जीबिशन। बोलिविया में सरकार के खिलाफ कोका किसानों का आक्रोश, पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें सामने आई।